सब्सक्राइब करिए मिस्टर टेकी को और बेल आइकन को दबाइए मेरी वीडियोस को देखने के लिए सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर टेकी, एक और टेक वीडियो अपने चैनल पर लेकर आया हूं। दोस्तों आज मैं कर रहा हूं स्पीड टेस्ट और कंपैरिजन। दो डिवाइसेस है मेरे पास, लेफ्ट साइड पे है Xiaomi का Redmi 5A और यहां पर है Xiaomi का Redmi 5। ये जो दोनों वेरियंट है दोनों ही 3GB रैम और 32GB इंटरनल मेमोरी के साथ आते हैं। सो यहां पर मैं देखना चाहता हूं कि किसकी परफॉर्मेंस बेटर रहती है। तो सबसे पहले चलते हैं कंपैरिजन एस्पेक्ट पर। यहां पर लगे प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं। Xiaomi Redmi 5A में लगा है स्नैपड्रैगन का 425 जो एक क्वाड कोर प्रोसेसर है और जो मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी मिलती है वो मिलती है 1.4 GHz की। और यहां बात करें तो यहां लगा है Qualcomm का स्नैपड्रैगन 450 चिपसेट जो एक ऑक्टा कोर चिपसेट है और वो मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी देता है 1.8 GHz। सो श्योरली यहां पर एक एडेड एडवांटेज जरूर आती है। ग्राफिक सपोर्ट यहां पर दिया गया है एड्रीनो 308 से और इसमें आपको मिलता है एड्रीनो 506। उसके अलावा रैम और इंटरनल स्टोरेज मैंने आपको पहले ही बता दी है। और उसके अलावा चलते हैं इन दोनों फोन्स के सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट पे। तो जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट, दोनों ही फोन्स 3GB रैम के साथ आते हैं और दोनों ही फोन्स में 32GB की इंटरनल स्टोरेज है। उसके अलावा अगर मैं सॉफ्टवेयर वर्जन के बारे में बात करूं, दोनों ही एंड्रॉइड नूगट 7.1.2 पर चल रहे हैं और जो MIUI 9 का वर्जन है यहां पर है 9.2.1 और यहां दिया गया है 9.1। तो यहां पर दोस्तों दोनों फोन्स को हम कंपेयर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्ले। यहां पर 5 इंच का डिस्प्ले लगाया गया है, 720p डिस्प्ले है, यानी जो रेजोल्यूशन मिलती है 720x1280। उसके अलावा जो पिक्सल डेंसिटी है वो है 294 पिक्सल पर इंच, 69% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। यहां पर दोस्तों मैं करूं 75% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलती है। ये भी IPS LCD डिस्प्ले है और यहां पर जो डिस्प्ले का साइज है वो है 5.7 इंच का। ये एक HD+ डिस्प्ले है, यानी जो रेजोल्यूशन मिलती है आपको मिलती है 720x1440 और जो पिक्सल डेंसिटी मिलती है वो मिलती है 282 पिक्सल पर इंच। और उसके अलावा यहां पर दोस्तों बैटरी के बारे में बात करें तो बैटरी में यहां पर आपको दी गई है 3300 mAh की बैटरी और इसमें मिलती है 3000 mAh की बैटरी। सो ये था दोस्तों ओवरऑल कंपैरिजन दोनों फोन्स में विद रिस्पेक्ट टू दी परफॉर्मेंस। चलिए अब चलते हैं कुछ राउंड्स परफॉर्म करते हैं और देखते हैं कि कैसी परफॉर्मेंस रहती है इन दोनों फोन्स की। उससे पहले नजर डालेंगे दोनों के एंटूटू बेंचमार्क स्कोर्स और गीकबेंच स्कोर्स की तरफ। सो एंटूटू बेंचमार्क स्कोर्स कुछ इस तरीके से हैं। Xiaomi Redmi 5 का एंटूटू बेंचमार्क स्कोर है 37,082 और यहां पर है 55,881। चेक करते हैं Geekbench 4 स्कोर्स को, तो यहां पर दिया गया है सिंगल कोर स्कोर 668 एंड मल्टी कोर स्कोर है 1862। यहां पर सिंगल कोर स्कोर है 776 और मल्टी कोर स्कोर है 3989। सो श्योरली स्कोर्स तो यही कह रही हैं कि Xiaomi Redmi 5 एक बेटर परफॉर्मर निकलना चाहिए दोनों फोन्स में। सो अब ये स्पीड टेस्ट के राउंड्स में हमें समझ में आएगा। तो सबसे पहले यहां पर परफॉर्म करते हैं रीबूट टेस्ट, जहां पर हम दोनों फोन्स को एक ही साथ रीबूट करेंगे और चेक करेंगे कि कौन सा फोन पहले रीबूट होता है। सो लेट्स स्टार्ट। 1, 2। ऑलराइट दोस्तों, यहां पर Xiaomi Redmi 5A पहले रीबूट हुआ है एज कंपेयर टू Xiaomi Redmi 5। राइट, अब रीबूटिंग कंप्लीट हुई है इस फोन में। सो श्योरली जीत जाता है Redmi 5A इस राउंड को। सो दूसरी चीज यहां पर दोस्तों बताना चाहूंगा, फिंगरप्रिंट सेंसर यहां पर नहीं दिया गया है। इसमें रेयर में फिंगरप्रिंट सेंसर है, इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर आपको नहीं मिलता है। सो ये एक एडेड फीचर है Xiaomi Redmi 5 का। जनरली मैं फिंगरप्रिंट सेंसर को टेस्ट करता हूं बट इस फोन में नहीं टेस्ट कर पाऊंगा क्योंकि यहां पर अवेलेबल नहीं है। सो चलिए दोस्तों अब चलते हैं स्पीड टेस्ट राउंड की तरफ और कुछ ऐप्स को साइड बाय साइड खोलते हैं और देखते हैं कि कौन सा फोन जल्दी लोड करता है ऐप्स को। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैम स्कैनर से। 1, 2, 3। ऑलराइट, सो यहां पर जल्दी खुला है एज कंपेयर टू Redmi 5A। नेक्स्ट ट्राई करते हैं फेसबुक, हल्का सा जल्दी था इस फोन में। नेक्स्ट ट्राई करते हैं फ्लिपकार्ट। ऑलराइट, जल्दी लोड हुआ है Redmi 5 में। ट्राई करते हैं तेज ऐप, अगेन जल्दी था यहां पर Redmi 5 में। ट्राई करते हैं Amazon। ऑलराइट, अगेन जल्दी लोड हुआ है यहां पर एज कंपेयर टू Redmi 5A। ट्राई करते हैं ट्विटर ऐप, राइट जल्दी था यहां पर। ट्राई करते हैं इंस्टाग्राम, अगेन जल्दी था यहां पर। तो कुछ गेम्स ट्राई कर लेते हैं, लेट्स ट्राई हिल क्लाइम 2। ऑलराइट, जल्दी लोड किया है यहां पर एज कंपेयर टू Redmi 5A। ट्राई करते हैं गूगल क्रोम को,
राइट, यहाँ पर पहली ऐप जल्दी लोड हुई है, यहाँ पर वेब पेज जल्दी लोड हुआ है गूगल क्रोम में। ट्राई करते हैं प्ले स्टोर, अगेन जल्दी था यहाँ पर। ट्राई करते हैं यूट्यूब। राइट, सो यहाँ पर दोस्तों मेजरली सारी एप्स जल्दी खुल रही हैं। सो इस राउंड में तो यही समझ में आ रहा है कि बेटर परफॉर्मर Redmi 5 है। चलिए क्लॉक के साथ इन सारी एप्स को खोलते हैं और देखते हैं कि टोटल कितने टाइम में ये सारी एप्स यहाँ पर जो भी आप देख रहे हैं दोनों फोन्स खोलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टेस्ट। तो यहाँ पर दोस्तों राउंड वन Xiaomi Redmi 5A ने खत्म किया है 3:19 में और इस फोन ने खत्म किया है 2:55 में। सो चलिए अब दोस्तों चलते हैं रैम मैनेजमेंट राउंड की तरफ एंड चेक करते हैं कि रैम मैनेजमेंट राउंड की परफॉर्मेंस कैसी रहती है इन दोनों फोन्स की। सो अगेन स्टॉपवॉच चलाऊंगा मैं और फिर से सारे ऐप्स को दोबारा से खोल के देखेंगे फ्रॉम सेटिंग्स टू कैम स्कैनर और देखते हैं कि कौन सा फोन कितने टाइम में ये सारी ऐप्स को दोबारा से रीलोड करता है। सो लेट्स स्टार्ट। रैम मैनेजमेंट राउंड के रिजल्ट सामने हैं दोस्तों। दोनों फोन्स का परफॉर्मेंस लेवल आप देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली सेम है। 2:44 में ये राउंड को कंप्लीट किया है Xiaomi Redmi 5A ने और 2:42 में इस राउंड को कंप्लीट किया है Xiaomi Redmi 5 ने। सो श्योरली यहाँ पर एक एडेड एडवांटेज जरूर है, थोड़ा सा फोन फास्ट है Xiaomi Redmi 5 एज कम्पेयर टू Redmi 5A एंड हमने देखा कि मेजॉरिटी ऑफ एप्स जल्दी लोड करी हैं इस फोन ने एज कम्पेयर टू Redmi 5A एंड स्पीड टेस्ट का राउंड वन भी ये जीता था। सो एंड उसके अलावा भी यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर का होना भी एक अगेन एक एडेड एडवांटेज हो जाती है। जो डिस्प्ले भी लगाया गया है वो भी 5.7 इंच का है एंड फुल व्यू डिस्प्ले है।
सो इट्स गुड एक्चुअली. एंड यहाँ पर एक बेटर परफॉर्मर जो है Redmi 5 निकल के आता है एज कम्पेयर टू Redmi 5A. सो ये था दोस्तों स्पीड टेस्ट और कंपैरिजन दोनों डिवाइसेस के बीच, Xiaomi Redmi 5A और Xiaomi Redmi 5, 3GB वेरिएंट थे दोनों ही. बताएगा दोस्तों कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिए एंड जरूर शेयर करिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को. फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद.